अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदा फ़ातिमा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और यहाँ पर शहरी से दो दिन का एक साथ ब्लॉग दे रही मैं, 10वें रोज़ा और 11वां इफ्तार और शहरी, इफ्तार और शहरी का। और यहाँ पर बाहर का व्यू बतलाई मैं, चावल भिगने डाली थी, गोश्त को मैरिनेशन करके रख डाली थी मैं, पकाने कैसे तहारी बना रही हूँ यहाँ पर, यहाँ पर तहारी बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं सिर्फ दो गिलास की बना रही थी, उससे ज्यादा हम लोग 10वीं शहरी में तहारी खाए और तहारी खाए हम लोग 10वीं शहरी में। बाहर का व्यू बतला रही थी मैं कैसा है व्यू बाहर का, और आप लोग क्या खाए, कैसे रोजे जा रहे हैं आप लोगों के, कैसी सहरी हो रही, कैसा इफ्तार हो रहा, कमेंट करके बतलाइए। और इसके अंदर दही की संगत हम लोग खा रहे थे। और चले आइए आप लोग, बिस्मिल्लाह करिए। और इसके अंदर फजर की नमाज़ पढ़ लेके सो गए, फिर जोहर में नमाज़ पढ़ के उठे, बांधे थोड़ा सा नैप लिए, कुरान शरीफ पे पढ़े बांधे थोड़ा देर के बाद। फिर मैं दालें भीगने दाल डाली थी, माँस की दाल में एक दो हरी मिर्ची डालना, इसके अंदर नमक डालना, थोड़ा सा सोडा डाल देके इसको पीस देना अच्छे से, पीस के रख देना 10 मिनट। इसके बाद में यहाँ पर दही का बना देना पानी अच्छे से, उसको फेंटना, फेंटे तो एकदम फुलके जैसा होता हो तो अच्छा फेंटना उसको, तो अच्छे होते दही बड़े, सॉफ्ट होते, नरम होते। और यहाँ पर दही बड़े बना रही हूँ और 6:15 हो रहे, बाजू फैसो सालन बना रही हूँ, शेरवा गोश का शेरवा बना रही थी, बाजू सालन सिंपल सीधा सादा आज। और फिर नमाज़ा वैसे पढ़ लिए बांधे, असर की नमाज़ पढ़े बांधे, फिर क्विक मैं पकाना शुरू कर डाली, ज़्यादा नहीं था, चावल चढ़ा डाली और बोलते सो शेरवा भी चढ़ा डाली। और यहाँ पर दही बड़े बना रही हूँ, दाल भी उबाल के रख डाली मैं, और अच्छे से उसको फ्राई करे बांधे, पूरा निकाले, इसके बाद में दही में डाल देना, दही में डाले बांधे, फिर बघारना उसको जीरे से, राई से, और खरिया पक से बजाऊंगा। और यहाँ पर सैंडविच बनाए थे देवरसा, और ननन करने से आई थी हरीस, यहाँ पर देखो हरीस का बॉक्स ओपन करके बतला रही हूँ, यहाँ पर फ्रूट्स है बस इतनी है, और दाल है, फ्रूट्स है, शरबत है, पूरे बच्चे सब जनों दुआ कर रहे। और शहरी में नेक्स्ट शहरी में नमाज़ा वे सब पढ़ लेके थोड़ा सा ब्रेक लिए, नेक्स्ट शहरी में 11th शहरी में आटा गूंद रही थी यहाँ पर मैं, जल्दी जल्दी आटा गूंद के रख दी। और देखो आटा गूंद रही हूँ, क्या टाइमिंग भी बतलाती मैं, आटा गूंद के रख रही हूँ सब यहाँ पर। एक देखो दोनों बच्चे यहाँ सो रहे, सो भी बतला रही मैं, बाजू के सो रहे थे दोनों बच्चे यहाँ पर, बाजू के सो रहे थे, थोड़ा सा ले ली मैं। और इसके बाद में देखो 3:15 हो रहे थे, मैं जल्दी जल्दी आटा भी गई, आटा भिगा के इसके अंदर शेरवा था सो गरम करके रख दी, शेरवा रोटी थोड़ा सा गोश्त लिए थे चिकन, और यहाँ पर जल्दी जल्दी फास्ट रोटियाँ डाल रही थी, 10 मिनट उसको रेस्ट रख करना पड़ता ज़रा आटा अच्छे होने के वास्ते। और यहाँ पर डाल रही हूँ रोटियाँ, थोड़ा सा गोश भी डाल डाली, नमक मिर्ची हल्दी वो डाल के, अदरक लहसुन गरम मसाला डाल के, और यहाँ पर रोटियाँ भी सेक के जल्दी हॉट बॉक्स में रख दी। इसके आने फिर हस्बैंड को उठाई, हस्बैंड भी लेट गए थे, हस्बैंड को उठा के इसके अंदर फिर हम लोग रोज़ सैरी कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग सैरी करके
सही कर रहे थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे सास के घर में हो रहा है इफ्तार पार्टी। आज हमारे जेठ का बर्थडे था, उस दिन 11 को इफ्तार पार्टी करते हर साल हमेशा। मैं आपको दो तीन साल से बतला रही हूँ, आप लोगों को मालूम है, अगर नहीं मालूम तो फिर जाके देखिए नेक्स्ट रमज़ान का ब्लॉग। और यहाँ पर हरीश बन रहा है, देवर सा बना रहे हैं, मेरे छोटे देवर हैं उन्होंने बना रहे हरीश। हम लोग हेल्प कर रहे थे थोड़ा बहुत। मैं फिर प्याज काट के प्याज फ्राई करी, दही बड़े बनाई, और बोलते सो यहाँ पर फ्रूट्स काट रहे सब मिल के, और सबको इफ्तारी बांटते उस दिन, पूरी फैमिली में बांटते, अड़ोसी पड़ोसी सब जो भी गरीब आता मांगने से पैसे आते उनको भी देते हम लोग। और आजू बाजू के रिलेटिव में सब जनों को इफ्तारी बांट दे दी हम लोग। फिर आने हरीश भी दे दिए, रिलेटिव को देते हरीश बनाए वाले, उस दिन होता हम लोगों के पास। यहाँ पर सब मिलके हेल्प कर रहे थे, बच्चों से लेकर बड़ों तक, सब जनों काट के सब रेडी कर रहे और बांट रहे। सो भी थोड़ा सा व्यू ली, मैं ज़्यादा नहीं ली व्यू। और यहाँ पर दाल उबाल के रख दिए थे, यहाँ पर फ्रूट्स काट रहे सब ये बतला रही मैं, और यहाँ पर फ्रूट्स काट के रेडी कर रहे थे मैं, यहाँ पर दही बड़े बना के रेडी कर रही थी, छिले कन थी मैं, यहाँ पर इन लोग रेडी कर रहे थे, पूरे जेंट्स भी लेडीज़ भी बच्चे हुए सब। फास्ट हो रहा था हमारा काम। और इसके अंदर मस्जिद को भी देते हम लोग, अब तो मैं पहले मस्जिद में देते इफ्तारी, इसके बाद में सब जनों को देते। यहाँ पर देखो दही बड़े बना कर रेडी रख दी मैं, प्याज भी फ्राई कर डाली थी, फिर बाद में हेल्प कर रही थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पर देखो हरीश का कर रहे थे, यहाँ पर देखो लोगों को दे रहे सो बतला रही थी थोड़ा सा व्यू। और दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। कैसा आप लोगों को लगा ब्लॉग? और यहाँ पर टाइम हो गया था इफ्तारी, वही सब दिए बंदे, फिर जब जनो रोज़ा खोले तो बड़े दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिए। अल्लाह हाफिज़।